यारे घर से भाग कर आया क्या? माँ बाप है कि नहीं तेरा? एक काम है, करेगा? जमेगा तो करूंगा। बूट पॉलिश हो गया सर। आना सर, तू पॉलिश करा लो। बूट पॉलिश करवा लो। जाओ। पॉलिश पॉलिश शू पॉलिश, पॉलिश पॉलिश शू पॉलिश। क्या नाम है? अजय। तुम्हारा? टिल्लो। तुम्हारा नाम क्या है बोलो। मुन्ना। काका बोले तो तेरे को डर नहीं लगता? सबको पता वो न्यूज क्या होती है, तुझे पता नहीं है क्या? एक न्यूज पता है ना? है ना? तू गलत कर रहा आत्मा। इतने सालों से काका के पास काम किया, अभी बाहर आकर काका के खिलाफ हो गया? नहीं, काका तुझे जीने नहीं देगा। मैं काका को जीने नहीं दूंगा। जाकर बोल अपने काका से, इस सिटी के अंदर काका या आत्मा दोनों में से एक ही रहेगा। यहां जिसकी काका के साथ नहीं जमती उनके लिए आत्मा का दरवाजा खुला है। एक ऐसा व्यक्ति पुलिस जिससे डरती है, कोर्ट रोड को गिनता नहीं, कानून को अपनी जेब में रखता है, पूरे राज्य पर राज कर रहा है वो। मंत्री महोदय जी किसके बारे में बात कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते, करना चाहो तब भी नहीं। काका। ए श्रीनिवास जी, हम भी मिनिस्टर लोग हैं, हमको मालूम है कि राजनीति में कैसे आना चाहिए। ये कोई घोड़े की रेस नहीं, राजनीति है। काका जैसे बड़े आदमी के ऊपर हाथ डालेंगे तो 100 लोगों को जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें किसको जवाब देना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जनता को तो जवाब देना पड़ता है। अभी कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। हमने सोचा था कि आप वो फैक्ट्री बंद करवा देंगे तो कम से कम हमारे बाद यहाँ के सारे लोग कम से कम सुख के साथ तो जी सकेंगे, वो आस भी अब खत्म हो गई है। मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, इंसानी तौर पे जिंदा हूँ। मेरे इस्तीफे से ये आंदोलन खत्म नहीं होगा,
वो फैक्ट्री मैं किसी भी हाल में बंद करवा के ही रहूंगा। हाँ पूछिए। पिछले 20 साल से ईमानदार लीडर की तरह आप पार्टी के साथ रहे, पार्टी छोड़ने का मतलब क्या है, हमें समझाइए प्लीज। एक बात बताइए, पार्टी के लिए ईमानदार होना चाहिए या जनता के लिए? यहाँ पर कोई किसी भी पद पे रहे कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप जनता की भलाई नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा मत कीजिए। आपके इस्तीफा देने से कुछ होगा? एक केमिकल फैक्ट्री की वजह से लाखों लोग मर रहे हैं और लाखों लोग अपाहिज हो रहे हैं, अनाथ हो रहे हैं बच्चे। पर उसकी राजनीति में इतनी पहुंच है कि मैं उसका कुछ भी नहीं कर सका। फिर मैंने ये फैसला लिया कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूं, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। कौन है वो व्यक्ति? तुम लोग लिखने के लिए शायद डरो, पर बोलने के लिए मैं नहीं डरूंगा। काका, संस्कारी खानदान है, दो लड़कियां होने के बाद भी लड़कियों को अच्छे से पालन पोषण किया है। नमस्कार बहन। नमस्कार। रख दीजिए, देखा ना आपने, संस्कार संस्कार ऐसे ही होते हैं। संस्कार कहा ना, देखिए ऐसे होते हैं। संस्कार नहीं थी आदत, दो बार किया तो संस्कार, 32 बार कर दिया तो आदत। अरे आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप जैसा रिश्ता नहीं मिलेगा, तब तक 32 का 50 देखेंगे। मेरी बात का यकीन कीजिए। अरे माँ के पूछे बिना लड़की अपने कदम बाहर नहीं रखती। ऐसी सुशील लड़की ढूंढो तो फिर भी नहीं मिलेगी। उतर उतर। इधर 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 जल्दी जल्दी चढ़ जा। निधि आ रही हूँ। कम 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 कम, चल तो जल्दी चल। बाय। हे तुझे जिसने हेल्प किया वो बाय कह रहा है, कम से कम थैंक्स तो बोल। अरे पागल, वो मेरे डैडी है, तू चल। लड़की अभी आती होगी। माँ, हाँ? दीदी कमरे में नहीं है, खिड़की से जंप। तेरे पिताजी कहाँ है? पता नहीं, वो भी जंप। ये क्या, तेरा रिश्ता ना हो इसलिए तेरे पिता तेरी हेल्प कर रहे हैं? डैडी मेरे साइड में, मम्मी खिलाफ है लव मैरिज के। डैडी चाहते अपने पसंद की शादी करो, मम्मी चाहती है अरेंज मैरिज। इन दोनों के बीच आई एम सेम। तो तुझे आकर शादी नहीं करनी है? अगर मेरी पसंद का लड़का मिल गया तो आई एम रेडी। तुझे कैसा लड़का पसंद है? देखने में अच्छी हो, इसलिए शायद मेरे दोस्त ने तुम्हें आई लव यू कहा, और तुमने अपने भाई से कहकर मेरे दोस्त को पिटवा दिया। क्यों है?
सिंपल मैटर है, तू गाड़ी चला। क्या रे, बहन को आई लव यू बोल दिया तो मारने का यही तरीका है? ये 2007 है यार। चार जन मिलकर एक को मारना गलत बात है, और उन चारों को एक मारे ये गलत बात नहीं है। और ये देखो श्रावणी, जो भी नाम है तुम्हारा। आजकल लड़का लड़की एक दूसरे के पीछे भागे ये कोई बड़ी बात नहीं है, ना भागे तो प्रॉब्लम है। अगर कोई लड़का आकर तुम्हें आई लव यू कहता है तो कमेंट करने की जरूरत नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। अगर पसंद है तो हाँ, वरना ना बोल दीजिए। ना करने के बाद अगर लड़का सता है तो वह समय भाई आना चाहिए। क्या रे, खूबसूरत लड़की के कमजोर भाई, तूने कभी ये सोचा था कि इसका मेरे जैसा कोई दोस्त होगा? ए टिलू इधर आ। ये टिलू है, बहुत अच्छा लड़का है, बी कर रहा है। मेरी बात मान, एक दिन अच्छी तरह सोच और ओके बोल दे। खाली हाथ इतने लोगों को मारने के बाद, आज सामने रहने के बाद, इसको कैसे ओके कर सकती हूँ? अगर आप हाँ बोल। आई क्या हुआ रे? मैटर वर्कआउट नहीं हुआ? नहीं। सबको तो तुझे बोल कर भेजा था, क्या हुआ? क्या बोलूं भाई, उसने बोला इसके 200 रुपए भी नहीं मिलेंगे। अरे 300 रुपए देकर खरीदा है, बोल कर बोलना चाहिए ना। तू जा अभी जा, जाकर कैंटीन वाले को बेच डाल। भाई उसने भी मना कर दिया। कैसे कैसे कैसे? अरे तुम लोग कैसे हो मेरे यार, एक चमचा भी नहीं बेच सकता। सोचा कम से कम किसे बेचकर मैं तुझे पॉकेट मनी देकर भाई बन जाऊं। पैसे देने से कोई भाई नहीं बनता, चाकू दिखाने से भाई बनता है। वो भी करके देखा। पैसे निकाल। कितना? तेरे पास जितना है उतना। आजकल क्या चाकू दिखा कर चाकू बेच रहा है? तेरे को मैं क्या चाकू बेचने वाला दिख रहा हूँ भाई? मैंने तभी फैसला किया कि दिखाने के बजाय भेज डालो। अरे भाई साहब, आप देखकर ड्राइव नहीं कर सकते? बाप रे, काका का बेटा किसी कॉलेज में ज्वाइन होना था इसको। तू मेरे रास्ते के बीच आया, ये तूने गलती की, दोबारा ये गलती मत करना भाई। मुझे यहाँ पर लोग मोहन भाई कहते हैं। चमचा मोहन, स्पून मोहन कहते हैं। आपके साथ रहना चाहता हूँ भाई। हाय निधि, कैंटीन चले? नहीं, पहले क्लासेस चलेंगे, उसके बाद कैंटीन में। लेट्स गो टू द क्लास नाउ। हेलो, हाय निधि। बाय। मैं तुमसे कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे फ्रेंडशिप में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? है ना, बचपन से कितने लोगों को जानती हूँ, तो सबसे फ्रेंडशिप कर लो। Friendship is not made, it happens. Just leave me alone. भाई आप बिल्कुल फील मत करो, हाँ? भाई आप कुछ फील मत करो, मैंने कुछ नहीं सुना भाई। वो लड़का कौन है? तेरे पीछे क्यों पड़ा? अमीर ज़्यादा, बाप की दौलत से कॉलेज में आके हरकत किया करता है। ओह, सब उससे डरते हैं, इसलिए कोई उसे सबक नहीं सिखा सकता। स्कॉलरशिप पर आए हो, माइंड सही रखकर पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा।
अरे कॉलेज में स्कॉलरशिप के साथ आया तो मस्त अच्छे से रहने का और लड़की वड़की के पीछे भागने का नहीं, पीजू जैसा रहने का, समझे ना? अरे आंखें ऊपर रखकर चल रहा क्या? हट यार, ऐसे क्या देख रहा है? कौन है रे तू? सॉरी बॉस, सॉरी, देखा नहीं। चल बे। क्या रे, गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ? तूने रोका क्यों? मैं उसको सबक सिखाता। देखो हम लोग स्कॉलरशिप में आए, अगर कुछ भी होता तो हमको मिलता मुक्का। अरे ये क्या है? टेक्नोलॉजी है, सेलफोन पर जैसा रहता टीवी पर भी ऐसा। आखिर टिल्लू है कहाँ? फिर से छत पे चढ़ गया। फिर से छत पे चढ़ गया? सेम सिचुएशन, नाम बदल गया। कौन है लड़की? सामने से सुपर है, पीछे का बम्पर है। अरे खूबसूरती से भी ज्यादा खूबसूरती है उसके अंदर। इतनी खूबसूरत तुम्हें क्यों? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देख अब क्या कर पता है? 6 महीने तक उसके साथ इंप्रेशन जमा, फिर अपने दिल की बात उसे कह दे। ऑलरेडी क्या बोल दिया? क्या बोली वो? मैंने जनरली बोला, वो नॉर्मल रिएक्शन दी। पीछा छोड़ दे बोली। मैं देख लूंगा। क्या देख लोगे? मतलब मैं बात कर लूंगा यार, जैसा बस में देखा था। आपकी मैं थोड़ा सा संभल कर बात करूंगा। लगता है बहुत पी लिया इसने। विश्वास करूं? ए जरा संभल कर बात करना। ये बात करेगा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है जब भी मेरी लाइफ सेट होगी ना तो यही मेरी लाइफ सेट करेगा। दिख दिख आ रही है। कौन? ये ड्रेस वाली। नाम क्या है? निधि। क्या? निधि। यार पैदा हुई तब से ऐसी है या पैदा होने के बाद ऐसी है? तू सीरियस है ना? निधि इधर आ। क्या मैं? हाँ हाँ तुझे बेबी, इधर आ। What? नहीं आएगी? ठीक है मैं खुद ही आ जाता हूँ। क्या है? कल मेरे दोस्त ने तुझसे प्यार का इजहार किया था ना, अब ओके बोल दो। क्या कहना चाहते हो तुम? निधि निधि आई लव यू निधि 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 मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। निधि मेरी बात समझो। निधि निधि तुम्हारे पैर पड़ता हूँ मैं। निधि मेरी बात सुनो। निधि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। निधि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। निधि तुम मेरी बात समझो। इसे प्यार का इजहार नहीं, भीख मांगना कहते हैं। दिखने में ऐसा वैसा है पर इसका दिल सोना है। अब मेरी बात मान लो और ओके बोल दो। ओके पूछ कर बताती हूँ। किससे? अपने बाप से? नहीं, बॉयफ्रेंड। कूल यार कूल, उसने तेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं बोला, उसके साइड से प्रॉब्लम है ना निधि? क्या है? अगर कल को तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं होता तो मेरा दोस्त ओके होता ना? हंसता है तो अच्छा लगता है पर प्यार के लिए बिल्कुल नहीं। नो वे। यही मेरा करैक्टर है। कुत्ते को डांटते वैसा डांट के चली गई, तो मुझे खुद से नफरत हो रही है। क्या कर डाला रे तूने? मेरी बात तो सुनो। क्या कर डाला? अरे क्यूट है। क्या रे, तेरा बॉयफ्रेंड है, तूने मुझे कभी बताया नहीं? बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं। आज ये पीछे पड़ा है, कल दूसरा पड़ेगा। अगर मैं कहूँगी कि मेरा बॉयफ्रेंड है तो कॉलेज के सारे लड़के मेरे पीछा करना छोड़ देंगे, इसलिए ऐसा कहा मैंने। बॉयफ्रेंड है तो क्या मैं उसका पीछा छोड़ दूंगा? अरे उसका बॉयफ्रेंड दूसरे कॉलेज में है, इस कॉलेज में मैं हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये तो ट्राई करेगा, जब तक मर नहीं जाता। अरे दिल तो पागल है का शाहरुख खान, तकदीर वाला का वेंकटेश, अर्जुन का सन्नी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का टिल्लू। उस लड़की को बॉयफ्रेंड होने के बावजूद मैं हासिल करके रहूंगा। यार वो सब लोग हीरो है, हीरो। हाय श्रवण मुन्ना। कासिम चाचा 3x5 चाय। हाँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ। कासिम चाचा देखने में कैंटीन ऑनर लगते हैं, सिटी में इनकी बहुत चलती है। कॉलेज स्टूडेंट के लफड़े हों या राजनीति के लफड़े, ये हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। और बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश करेगा? बहुत चल भी चल गई, इसकी गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश करेगी? ये क्या है? काका का बेटा है,
काका का वारिस। पूरी सिटी में काका के खिलाफ लड़ने वाला सिर्फ एक ही है श्रीनिवास, जो मिनिस्टर है। पर अब काका का बेटा इधर हुकूमत चलाएगा। पागल हो गया तू, मल गया तो गया, आत्महत्या करने की कोशिश करता है, काका से धोखा करने की कोशिश करता है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। काका से बोल माफ कर दो, काका तुझे माफ कर देगा। इंसान होकर इंसान को धोखा देना इंसान के खून में पैदाशी होता है। पुरुषोत्तम, तेरे भाई को माफ कर दूं ऐसा हो नहीं सकता। तुझे ऑफर दे रहा हूं, तू अपने भाई के साथ जाएगा या मेरे साथ रहेगा। काका को जो इंसान भविष्य का प्लान बताता है वो उस पर भरोसा ही नहीं करता। काका, श्रीनिवास राव आने का टाइम हो गया है। अतीत में जियोगे तो भविष्य को देख नहीं सकोगे, भूल जाए। आपके बारे में सोचा तो आप पधारे। मुझे पता था तुम यही सोचोगे। प्लीज कम इन, मेरी धर्मपत्नी। नमस्कार। पत्नी आपकी एकदम लक्ष्मी जैसी है। तुम काम तो बुरा करते हो मगर बीवी लक्ष्मी जैसी एकदम देवी है। आइए टेबल पे चलते। हाँ। राहुल मेरा बेटा। कुर्सी खींचना, कुर्सी पर बैठना, यह सब कुछ तेरी आदत है। श्रुति, घर में बड़े हैं, इन्हें विश करो। तुम्हारी बेटी है, शुक्र है तुम्हारी कोई आदत नहीं इसमें। मैं जो भी काम करता हूं आप बीच में क्यों आते हैं? यही तो मैं भी कह रहा हूं कि जो भी काम मैं करता हूं उसके बीच में तुम क्यों आते हो? मेरी फैक्ट्री बंद हो गई तो आपको क्या फायदा होगा? कुछ काम फायदा और नुकसान के लिए नहीं होते, कुछ ना करने से शायद नुकसान हो। तुम्हारी फैक्ट्री की वजह से कितने लोग तकलीफ सह रहे हैं तुम्हें क्या नहीं पता? और तुम्हें तकलीफ हो या नुकसान हो मुझे नहीं पता। तुम्हारी फैक्ट्री बंद नहीं करवा दूंगा तब तक चैन नहीं मिलेगा। इस उम्र में इतनी तकलीफ क्यों सह रही हो? काका, इज्जत देकर घर पे बुलाया, खाना खिला रहा है और प्यार से धमका रहा है। मैं डरने वाला नहीं हूं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह पता है। मुझे कुछ हो गया तो उसका कारण तू होगा, मुझे कुछ होने के बावजूद। अगर गवर्नमेंट ने तेरे ऊपर एक्शन नहीं लिया तो आने वाले इलेक्शन में हमारी पार्टी को जनता वोट नहीं देगी। पार्टी के लिए तुम इंपॉर्टेंट हो या वोट सोचो तो सॉरी, तुम नहीं बचोगे, समझ गए ना? सबको मैं ऑफर देता हूं पर आपने मुझे ऑफर किया है, आप खुश रहो। ऋतिक, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। क्या हुआ रे? आंखों के सामने ही जिंदगी दूर होती नजर आ रही है। एक काम कर, जाकर बाहों में भर ले। कभी कभी बातों से फीलिंग्स नहीं आती, वो छूने से आती है। जाकर सीने से लगा ले। जा प्रोसीड। कुछ इधर उधर हो गया तो मैं पिट जाऊंगा। वो आ रही है। कल चलते हैं ना वहाँ पे? अब अगर देरी की ना तो मिस हो जाएगी। टेंशन में हूँ। मैं हूँ ना, इसी बात को बता रहा। Come on!
से प्यार करेंगे? जरा लड़के को बाहों में भर ले कहा तो वो भी नहीं कर सकता। Stop it! क्या है ये सब? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है, मुझे पता चलना चाहिए। तुम्हें सुनना है तो सुनो। अरे मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उस चेजिंग में तुम्हें अपनी बाहों में भर लेना चाहता था और यही हमारा प्लान था। सुनो, पूरा प्लान इसने चौपट कर दिया। ये साला पीछे हट गया, मेरा कैरेक्टर खराब हो गया। थू। तुम समझते क्या हो मुझे? समझना क्या है, तुम ऑलरेडी बुक्ड हो। क्या? वो क्या है, तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है ना? जब ऑलरेडी मेरे बॉयफ्रेंड है तो ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैंने समझाया इसे, इसने क्या कहा, उसका बॉयफ्रेंड दूसरे कॉलेज में है, इस कॉलेज में मैं देख लूंगा, यही बोला ना रे तू? दूसरे कॉलेज में क्यों होगा, इसी कॉलेज में है मेरा बॉयफ्रेंड। इसी कॉलेज में? कौन है वो? मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में तुम कौन होते हो पूछने वाले? चलो यहाँ से। निधि ये लड़के ना बहुत चालू है, जान बूझ के फटाशी कर रहे हैं। तुम्हारा सामने से बेटर और बैग सुपर है। What? मैंने इसको समझाया पर इसका विश्वास ही नहीं है। Shut up! Irritating fellows. अरे तू प्लान अपने लिए कर रहा है या मेरे लिए? सच बोलो यार, मैं तो पूरी तरह से कंफ्यूज हूँ। एक बात बोलो पक्का, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तेरे लाइन क्लियर है? अरे यार मैं बड़ी मेहनत करके लाइन मारने की कोशिश कर रहा हूँ, तू क्लियर तो कर दे यार। समझने की कोशिश कर। क्या हुआ तुझे, कोई मिल गया होगा? बड़ों के बीच बच्चे नहीं बोलते। मम्मी तुम्हें और पापा को जब प्यार हुआ था तो ऐसे फील करती थी क्या? अब फील हो रहा है तुझे बेटी? मुझे तो हुआ था। प्यार दरअसल हजारों बातों से नहीं, छू कर कहा जाता है। क्या ये सच है? क्या हो गया है तुझे? आप सब समझ जाएंगे। भाई आपने तो कॉलेज में अपना सिक्का जमा लिया, पूरी पार्टी अपनी तरफ हो गई है। भाई भाई एक बात पूछूं क्या, भाभी आपसे ही कम बात करती है या किसी और से भी? अरे बात कम करती है यार, कुछ भी बात करती है मेरे से ही करती है। ये क्या बोलती है, आई डोंट लाइक यू, आई हेट यू इडियट, गधा। मुझ जैसे गधों से बात नहीं करती समझ में आता है, पर आपको भी केयर नहीं करती हो। भाभी जो है ना किसी और के साथ चप्पा चप कर रही है आजकल। भाई आजकल भाभी मुन्ना के क्लोज रहने लगी है। भाई भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई दोनों बहुत ही क्लोज रहने लगे हैं। भाई तुम मेरे साथ क्लोज नहीं होना चाहती थी, सोचा था तुम फैमिली वाली लड़की हो, पर जो लड़की मुझे पसंद नहीं करती उसकी तरफ मैं देखता भी नहीं हूं, पर तुम किसी और के हाथ में हाथ डालकर प्यार से घूमती रहोगी वो नहीं चलेगा, समझ में आ गया तुम्हें? तेरे को कितनी बार बोला तो सुनाई नहीं देता, हाँ कितनी बार बोला, बीच में बकबक मत किया कर। अरे क्या कर रहा है, कब सुधरेगा तू, कब सुधरेगा तू? हाँ तुम्हें तो सुधार के रहूंगा मैं, चलो। निधि एनी प्रॉब्लम? मेरी बाइक पंक्चर हो गई है, अर्जेंट घर जाना है। इतना ही? ए मुन्ना सुन, निधि का बाइक पंचर है, मैं उसे घर ड्रॉप कर देता हूँ। निधि प्लीज कम। सामान ना बड़ी भारी है यार, अरे संभाल यार। ये पहले करना चाहिए था ना, चला। निधि मैं 80 की स्पीड से गाड़ी चलाता हूँ, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्टार्ट हो जाएगी एक सेकेंड। Oh, my God.
में एक छोटा सा छेद है। तू निधि को ड्रॉप करके आ, मैं टायर चेंज करता हूँ। क्या? मैं टायर चेंज करके आता हूँ यार, तू जाना यार। अरे 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 भाई, बोले थे यही रे, क्या गाड़ी स्टार्ट किया, जोर से एक्सीलेटर दबाया, साइलेंसर में से धुआं निकलने लगा, भाभी के सामने धीरे 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 जोर से उसने ब्रेक लगाया और की करके गाड़ी रुक गई और वहां पर धूल हो गया और धूल में से भाई गाड़ी से उतरा और वहां पर थर 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 करके भाभी जी कांपने लगी और बोली, तू डराएगा तो क्या मैं तेरे से डर जाऊंगी? तेरे डराने से मैं डरने वाली नहीं हूँ बेवकूफ, चल फुट। ओ देखो ये लड़का कौन है? किसका नाम मुन्ना है भाई, कल इसी ने भाभी का हाथ पकड़ा था। यहाँ तो जगमग जगमग है भाई। अरे वहाँ पर तो लड़के लड़कियाँ दूर दूर रहते हैं, यहाँ तो लड़के लड़कियाँ एकदम से चिपक कर है। भाई मुन्ना, आपकी जो मर्जी करो। हाँ भाई, हाँ क्या भाई, मुन्ना द बार है। यस, क्या चाहिए? द बेस्ट, मुझे हमेशा पसंद, द बेस्ट ड्रिंक। एक ड्रिंक बनाना मेरे लिए, ये रहा तुम्हारा टिप। भाई जीरो पियो, पानी पिला रहा है कि क्या पिला रहा है? ये बेस्ट है, पर इसे हजम करने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। हिम्मत उसके पास क्या है? अरे भाई मैं आपके बारे में नहीं, मेरे बारे में बात कर रहा हूँ, गर्दन हिला 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 के मैं बोल रहा हूँ। भाई उधर देखो जरा। हेलो हेलो, हाय। ओह दिस प्लेस इज लवली। अरे बाप रे, हाय राहुल, डैडी। हाय हाय हाय, आई एम डॉक्टर शाह राहुल। आप यहाँ कैसे? इसने कहा पार्टी में चलिए तो मैं आ गया। यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, लोग पीछे पड़ जाते हैं, तो मैं साथ आ गया। कसम से अंकल, हम लोग पहली बार आए हैं और आज पहला दिन है। भाई चलो यहाँ से, पता नहीं क्यों चले आए। कम ऑन लेट्स हैव अ ड्रिंक। ओके। ए तुझे दिखाई नहीं देता? हेलो। हाँ दादी जल्दी घर आ, अभी आ दादी। अभी तक तो इधर बहुत डैमेज हो गया है, उस दिन कीचड़ उछाला था ना, आज उसने उसका बदला ले लिया। एक्सक्यूज मी मुन्ना, तुम यहाँ काम करते हो? क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसी बात नहीं है, मॉर्निंग कॉलेज शाम को यहाँ पे, ज्यादा तकलीफ नहीं देती। पसंद की चीज तकलीफ नहीं देती। तुम्हें क्या चाहिए? वाटर। ओनली वाटर? निधि आई विल हैव अ सॉफ्ट ड्रिंक प्लीज। हाय बॉयफ्रेंड। यहाँ मत बोल डैडी ये। हेलो डॉक्टर निरंजन चौधरी। मुन्ना। मुन्ना, अच्छा वही जिसके बारे में अक्सर घर में कहती रहती है, टॉल एंड हैंडसम गाय, इजी बेबी। डैडी ये सब बातें यहाँ करना जरूरी है? मेरे बारे में नहीं बोलती होगी, शी ऑलरेडी हैज अ बॉय। ऑलरेडी हैज व्हाट? You want some wine, sir? नमस्ते। नमस्ते भाई। जब मौत लिखी होगी तभी मौत आ सकती है, उसके पहले कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? हाँ। कौन है रे? हाँ? आत्मा सुबह उठकर सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाके सिग्नेचर करता है, उसके बाद तू अपने दांत धो सकता है, ये तेरी औकात है। तू एक गुंडा है, मेरे से मिलने की क्या जरूरत पड़ी? मिलने नहीं सर, आपके साथ मिल जाने आया हूँ। गुंडे बदमाशों के साथ तो मैं हाथ नहीं मिला सकता, इसलिए तो मैं पार्टी से बाहर आ गया हूँ। काका जैसे खतरनाक इंसान के साथ आप पंगा ले रहे हो? अरे काका खाली नहीं भाई,
काका जैसे मैंने कई और गुंडों से पंगा ले लिया है। सुना है तूने सिटी में बिना लाइसेंस के हथियारों की दुकान खोल के बैठा है। काका के खत्म होने के बाद तेरा ही नंबर है बेटा। बात तो आप एकदम सही कह रहे हो, पर अपनी जान खतरे में मत डालो। निकल यहाँ से, मेरे घर पे आके मुझे धमकी देता है गुंडा मवाली कहीं का। लड़के लड़की मिल रहे थे, चिपक रहे थे, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं डैडी के साथ वापस चली गई। लगता है तुम्हारे पिता को तुम पर भरोसा नहीं है। तुम्हारा मेरे लिए ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन पूछने से पहले ही क्या मतलब प्यार कर बैठी ना तुम? मेरा बॉयफ्रेंड है ऐसा बोलकर मैंने मुसीबत मोल ली है। ये सब क्या है? ए, तू होता कौन है पूछने वाला? स्टूडेंट। अच्छा, तो फिर ये लोग कौन है? ये लोग आज यहाँ पर क्या करेंगे? तू खड़े खड़े देख। क्लब में कल ये मेरे से टकराए और मैंने बिना देखे इनका कॉलर पकड़ लिया। एक को मारने के लिए इतने सारे लोग हैं, और इतने सारे लोग ना हो ना तो तू कुछ नहीं कर सकता है ना। अच्छा, ये तुझे देख के डर रहे हैं? मैं डर रहा हूँ? अच्छा, तुम सब पीछे जाओ रे। आजा, आजा। क्या हुआ, डर लग रहा है तुझे? तेरी खास गर्लफ्रेंड को जरा सा छूते ही तुझे गुस्सा आ गया था, वो आगे बढ़ रहा है और तू पीछे जा रहा है? हाँ, मतलब तेरी गर्लफ्रेंड को तेरे से ताकतवर आदमी अगर टच करेगा या कुछ भी करेगा तो ओके ना? सामने वाले की हिम्मत तोड़ने के लिए अपने अंदर की जो ताकत और आग है ना, उसे ज्वालामुखी बनाना पड़ता है। ए मुन्ना, एक काम कर, उसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुला ले, सामने नहीं आ रहा इसलिए हिम्मत नहीं हो रही है, बैटरी चार्ज हो जाएगा। इस राहुल की तरफ आग उठा कर देखने वाला इस यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है। तू क्या सोचता है कि कोई हाथ उठाने वाला नहीं है? कभी भी किसी को कमजोर मत समझना, अंदर कितना दम है वो भी नहीं जानता। ए, तू अभी तक ये नहीं जानता मैं कौन हूं। कौन है रे तू? दो पाव, दो हाथ, दो आंखें, दो कान, एक मुंह, एक नाक, एक सिर, जो शरीर के ऊपर होता है उसी से पैदा होता है ना तू? उसका नाम है काका। काका क्या उखाड़ लेगा रे वो मेरा? राहुल,
क्या हुआ? लंगड़ा के क्यों चल रहा है? कॉलेज के अंदर बास्केटबॉल खेलते हुए गिर गया था। तेरे ऊपर हाथ उठाना राहुल मतलब मेरे ऊपर उठाना है। काका के बेटे को मारा है। कौन है वो? बोल कौन है वो? मारा नहीं पापा, मार खिलवाया। राहुल आपका बेटा है, उसे पता नहीं है। पता होने के बावजूद भी कौन है वो? लगता है पर्सनालिटी तो अच्छी खासी है। कॉलेज में एक दो को मार के शेर बनने की कोशिश कर रहा है। क्यों हीरो, तूने गलती किया? गलती काका के बेटे को मार खिलवाई। तूने ये जो कुछ भी किया है ना बच्चे, उसके लिए हम तुझे यही मार के फेंक सकते हैं, पर उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। कल कॉलेज आ जा और जिन स्टूडेंट के सामने तूने राहुल को मार खिलवाई, काका तुझे तेरी जान बख्श देगा, फिर से तुझे जीने का एक मौका देगा। क्या समझ में आया? मुझे समझ में नहीं आया, तुझे समझ में आया?
हेलो, उसे पुलिस स्टेशन में बैठा कर उसकी पूजा कर, राइट, डाल दे उसे अंदर। अगर वो अकेला आता तो ऐसे ही करता। और कौन आया? ये उन सब लोगों का लीडर बन चुका है, और वैसे भी ये जाएगा कहाँ? कोई भी केस में अंदर कर दूंगा इसको। श्रीमान सारे, अरे इस लड़के को क्यों लेके आया? कल रात को हॉस्टल में झगड़ा हुआ सर। झगड़ा तो दो गुटों के बीच हुआ था, बाकी के लोग कहाँ हैं? काका के आदमी है ना, हिम्मत नहीं है तुझे लाने की? पहले उनको लेकर आना, फिर इसको लॉकअप में डालना। सॉरी सर। तुम्हें पता था या नहीं था कि तुम काका का विरोध कर रहे हो? कम से कम उसके दिल में डर तो बैठ गया होगा। तो क्या इस टॉपिक को राजनीति बनाएंगे? काका का भय तुम्हारे दिल से खत्म न हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे आया। कल जो हुआ उससे मुझे नहीं लगता कि जनता को कोई फायदा हुआ होगा, और काका के मेरे बीच का जो झगड़ा है वो पर्सनल है। मुन्ना, राम ने रावण को मारा सीता के लिए, ये उनका पर्सनल मैटर था, और फिर रावण के मरने से लोगों का कल्याण हुआ, राम भगवान हो गए, समझे तुम? उस मुन्ना को कॉलेज से लेकर श्रीनिवास तक की सपोर्ट पहुंच गई है। काका, उसे ऐसे छोड़ दिया क्या तो करेगा वो? अगर ऐसे बच्चों पे हम ध्यान देने लगेंगे तो उसे बढ़ावा देना होगा। उसे भूल जाओ, हमें तो ये सोचना चाहिए जो हमारे हर छोटे काम के बीच में टांग अड़ा रहा है, उस श्रीनिवास राव का क्या करें। मुझे बुलाया? ये तरीका क्या है बुलाने का? हीरो, हैंडसम, टॉर्जन, अलेक्जेंडर, ये सब मुझे पसंद नहीं है। कुछ नया सोचो, मुझे मेरे नाम से बोलो। इडियट। इस डू आई ओनली तुमसे, मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड मुझे ऐसे ही बुलाती थी। हटो मेरे सामने से। ये क्या, सडनली तुम हीरो बन गए? कल कॉलेज में राहुल को मारा, रात को हॉस्टल में फाइट किया, पुलिस स्टेशन, पूरी यूनिवर्सिटी तुम्हारे बारे में बात कर रही है। मुन्ना, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर सोचती हूँ तो डर लगता है। तुम्हें डर नहीं लगता? क्यों? क्यों मतलब? बताओ किस लिए? मार डालेंगे बस इतना ही, यही हमारी कमजोरी, उनके लिए ताकत है। अगर हम लोग उनसे नहीं डरेंगे तो वो लोग हमसे डरेंगे। ये क्या, बिल्कुल बदल गए हो तुम। पहले वाले मुन्ना तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। अचानक से अट्रैक्टिव हो गए हो, पता है क्या? अट्रैक्टिव? देखो ये सब बातें अपने बॉयफ्रेंड से मत करना, फील करेगा बेचारा। मुन्ना, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। स्टॉप इट, बी सीरियस। यूज़लेस फेलो, यूज़लेस फेलो। निधि इतना सीरियस से बात कर रही है और तू हंस रहा है? हाँ, देखो निधि, इस तरह जल्दी डिसीजन नहीं लेते, पछताना पड़ सकता है। मैंने गलत क्या किया? सब लोग क्या सोचेंगे तुम्हें पता है? क्या सोचेंगे? अरे सेकंड हैंड केस सोचेंगे। क्या कहते हो? देखो, माँ बाप ने लड़का पसंद किया और तुम्हें पसंद नहीं आया तो लोग समझ सकते हैं, पर तुमने पसंद किया लड़के के साथ वर्कआउट नहीं हुआ तो लोग समझेगा उसने तुम्हें छोड़ दिया। इसलिए मेरी बात मान और जरा समझ के उसके साथ सेट हो जा। ओके बाय। मुझे तो तुम्हारे साथ सेट होना है ना। किसी आत्मा का फोन है। क्या रे, डराने के लिए फोन किया? आप बड़े हैं, आप कहेंगे हम सुनेंगे। मैं आपसे दुश्मनी करके इस शहर में तो जी नहीं सकता। और हाँ, काका की फैक्ट्री पर आप सीबीआई इंक्वायरी डलवा रहे हो ऐसा मैंने सुना है, और उस फैक्ट्री के खिलाफ सारे सबूत मेरे पास है। मैं तो काका से बिल्कुल अलग हो गया हूँ सर। काका आपके हाथों से बच ना पाए यही मेरी इच्छा है। आप फैक्ट्री को जनता के लिए बंद करवाना चाहते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन मैं काका को बर्बाद करने के लिए उसे बंद करवाना चाहता हूँ। मैं अकेला उसका कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और आप बिना सबूत के उसका कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, कब मिलना है?
श्रीनिवास साहब को किसी ने मार डाला। सर ये दो गोलियां यहां मिली हैं, ये देख लीजिए। नाइन एमएम जर्मन मेड, गवर्नमेंट की तरफ से ये बुलेट इशू हुए हैं। फौरन पता लगाओ कि इस नंबर की बुलेट्स किस किस के नाम पर इशू करी गई हैं। बताइए श्रीनिवास राव मर्डर केस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एनी कमेंट्स? सिटी में कुछ भी गलत होता है तो काका का नाम लेना एक फैशन हो गया है। घर में आना जाना इतना करीबी रिलेशनशिप था उनके साथ हमारा। हाँ उनके साथ मेरा मतभेद था, लेकिन इतना भी नहीं कि हम एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाए। उनकी मौत से मुझे बेहद दुख पहुंची, बहुत अच्छा आदमी था। मारा है काका ने, काका और श्रीनिवास का झगड़ा था ये पूरे स्टेट को पता है। तुमने नहीं मारा, इस बात की क्या गारंटी है? काका उस वक्त तुम्हें भी तो वही का वही मार सकता था ना। आप मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं? उसका ऐसा ही प्लान था, वरना इस वक्त यहाँ पर काका होता मैं नहीं। श्रीनिवास राव का बड़ा ही हेल्पिंग नेचर था। उसने कहा था कि अगर वो मरेगा तो इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। आत्मा का वहां रहना हमारे लिए अच्छा है, जनता के मन में अब आत्मा को लेकर कंफ्यूजन पैदा होगा। ये न्यूज फ्रंट पेज से लेकर फिफ्थ पेज तक छा जाएगी। आत्मा को भी वहीं मार देना चाहिए था काका। अगर उसे भी वहां मार देते तो पुलिस अरेस्ट वारंट लेके यहाँ आ जाती। काका क्यों एसीपी कैसे आना हुआ? श्रीनिवास राव मर्डर केस में आपके नाम अरेस्ट वारंट इशू हुआ। मेरी अरेस्ट वारंट निकालने की हिम्मत किस में आई एसीपी? टेलीफोन इन्फॉर्मेशन के ऊपर जब इंक्वायरी हुई तो पुलिस को ये पता चला चली थी चार गोलियां। तो आपने चलाई थी तीन गोलियां, बाकी एक गोली कहां से आई? किसी ने चौथी गोली सामने लाकर केस को बढ़ा दिया। कौन है वो? मुन्ना। आत्मा को छोड़ दो। जी सर। काका कल सुबह तक तो बेल नहीं मिलेगी। मुझे उससे मिलना है। कौन है रे तू? हारा हुआ इंसान। दो बार तुझे मारने की कोशिश की लेकिन हार गया मैं। हारा हुआ इंसान हूं मैं, याद दिलाओ। और दूसरी बार वो एक्सीडेंट भी मैंने किया। फिर क्या हुआ? बाद में डर गया। फिर बाद में मैंने सोचा मारने से क्या फायदा, तुझे मारने से पहले तुझे पता तो चले कि मैंने मारा है। मुझे तुझे मारना होता तो कब का मार देता, पर तुझे मारना नहीं है, मुझे सजा देना है। सजा? ए मुन्ना इधर तू जब आया तभी तू मर गया, लेकिन मरने से पहले तुझे मेरी वजह से क्या तकलीफ हुई ये जरा बता कर मरना। आज से 18 साल पहले तूने जो घटिया काम किया था वो भूल गया? काका उर्फ कमलेश्वर, तुझे मेरा असली नाम कैसे पता? मेरा असली नाम भी तो तूने ही रखा था। समझ में नहीं आया? तुमने अपनी मौत खुद पैदा की। तेरा बेटा हूं मैं। तेरे से अलग होने के बाद तेरे को कब कब मारूं यही सोचता रहा हूं, और आज तेरे सामने बैठा हूं मैं। तुझे अभी
अभी मार सकता हूं, पर मेरे 18 साल की आग जो दिल में जल रही है उसे 10 सेकंड में खत्म नहीं करना चाहता। मुझे जान से बख्श देगा यही संदेशा भेजा था ना इस इंसान के साथ? मैं तेरी जान बख्श दूं, जीले जिंदगी जीले। जिंदगी जीना कितना मुश्किल है ये तुझे आज से पता चलेगा। मेरी सोच के सामने तुझे अपने आप अपने घुटनों के बल टेकना होगा। आज से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुझे लगे कि मैं तेरा बेटा हूं। मैं तेरा बेटा लगू ऐसा कोई काम नहीं करने वाला। चलता हूं। अरे किसी ने काका के घर पर जाकर काका को भी धमकी दिया, काका को अरेस्ट भी उसी ने करवाया। अरे वो कोई और नहीं, काका का बेटा ही है। सर आओ आओ कमिश्नर साहब, वो काका का केस कहां तक आया? सर वो श्रीनिवास जी के मर्डर के एक हफ्ता पहले ही उसकी पिस्तौल चोरी हो गई थी। काका ने उसके बारे में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखाई थी सर। अच्छा वो मुन्ना का क्या हुआ? इतना पता चला है कि वो काका का बेटा है सर। अच्छा मतलब काका को मारने वाला कोई आ गया। इस मामले में अपने को कुछ नहीं करना है। आप ठीक कह रहे हैं सर। मुन्ना अगर काका को खत्म कर देगा तो झंझट ही खत्म हो जाएगा, और अगर काका मुन्ना को मार देगा तो फिर से वैसा ही हो जाएगा। मुन्ना तू काका के घर जाकर उसे धमकी दिया, ये सब क्या है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। हम तेरे साथ इतने करीब रहे हैं, फिर भी आज हम तेरे से उतने ही दूर लग रहे हैं। तेरा अतीत क्या है क्या ये हम जान नहीं सकते क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, बताता हूँ। रुक जाओ। इसको मारना कोई पाप नहीं है, पर एक औरत की हाय हमें नहीं चाहिए। चलो यहाँ से। तुम्हें ऐसा उल्टा सीधा काम करके कमाने की क्या जरूरत है? ऐसा दिमाग ही क्यों लगाते हो तुम? मुझे और बच्चे का मुंह देखकर तुम्हें छोड़ दिया, अब तो कम से कम अपना दिमाग ठिकाने लगाओ। ए, रोना बंद कर, वो लोग चले गए। ऐसे क्या देख रही है? तू क्या चाहती है वो लोग वापस आए? वैसे भी कल सुबह गांव छोड़कर जाना है। और कितने गांव बदलेंगे हम लोग? मतलब वो लोग मुझे मार डाले है? चल बेटा महेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। तेरी बहन का बुखार बढ़ता जा रहा है। तेरे पिताजी दवा लेने गए थे, पता नहीं क्यों नहीं आए। हाँ। बेटी 20 साल शहर में रहने के बाद अचानक इस गांव में किस लिए लौट के आया हूँ यही सोच रहे हो ना तुम लोग? किस लिए? तुम लोगों को शहर ले जाने के लिए। इधर गांव में जमीन खेती बाड़ी घर छोड़कर उधर शहर में जाकर हम लोग क्या करेंगे? अरे वाह, खेत सूख रहे हैं, घर में कर्जा है, जीना नहीं आ रहा तो कम से कम मर तो नहीं जाना चाहिए ना। शहर में रहने से 4 वक्त का खाना तो कम से कम मिलेगा, यहाँ तो इतने में हालत खराब। अगर शहर में रहोगे तो चीट फंड, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, होटल्स, रेडीमेड शॉप्स, बाजू में हॉस्पिटल, कितनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं वहाँ के लोग। वहाँ एक ही प्रॉब्लम है, वहाँ काम करने के लिए लड़कियाँ नहीं मिलती, बाकी सब ठीक है। यार यहाँ गांव से लड़कियाँ भेजकर हम उनसे काम करवाएंगे और उनकी कमाई पर जाएंगे। बात करता है, चल जा। ए, चल यहाँ से। सुनो, ये घमंड नहीं होना चाहिए। आत्माभिमान के नाम पर आत्महत्या नहीं करना चाहिए। दिमाग लगाकर जिंदगी कैसे जीना चाहिए यही सोचना चाहिए। लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए, अगर काम करेगी तो गलत क्या है? काम करने पर तो कमाई होती है, पैसा मिलता है। इस तरह जिंदगी को बर्बाद करना चाहिए? अगर मैं काम करने शहर जाती हूँ तो मुझे करना क्या होगा? शाबाश, क्या बात है। ये देखो, इस पे साइन कर दो। ये फॉर्म भर के सिर्फ 100 रुपया भरना है। मैं तुम्हारे घर में ज्योति जलाऊंगा। ए भाई, एक फोन कर रहा हूँ। कर लो।
नमस्ते भाई, कमलाकर बात कर रहा हूँ। दुबई शेख को खबर कर दो, कल 6 आ रही है हैदराबाद से, गांव वाली है, मस्त है। लेकिन तुमने जो रेट दिया है वो नहीं चलेगा। हाँ, मैंने जो रेट बोला है वही देना होगा। हाँ। उतरो दो। हाँ, संभल कर उतरो। तुम दोनों यहाँ पर बैठो, मैं थोड़ी ही देर में कान ढूंढ कर आता हूँ। संभल कर रहना। हाँ? मिल गया। काम मिल गया? कहाँ पर, क्या काम है? अरे छोटा काम मिला है। अरे इतने बड़े शहर में जीने के लिए, इसको स्कूल भेजने के लिए मेरे काम करने से नहीं होगा, तुम्हें भी काम करना होगा। कुछ भी काम करूंगी, कैसा भी काम करूंगी, अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूंगी, मैं मेहनत करूंगी। चलो मैं ले दूं। मुन्ना तू रुक, मैं तेरे मम्मी के साथ जाकर अभी आता हूँ। हाँ चलो। नमस्ते भाई, लेकर आना। भाई देखो ना, कुछ ज्यादा मिल जाता तो बहुत है, चल जा। क्या है ये सब? तुझे बेच डाला। दोस्त, आज तक हमने सुख दुख सब कुछ बांटा है, आज से दुश्मनी भी बांट लेंगे। नहीं, अब हालात बदल चुके हैं। यह कहानी खत्म होगी या तो उसकी मौत से या शायद मेरी मौत से। यह मेरी पर्सनल दुश्मनी है, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। ए, कैसी पर्सनल लाइफ है तुम्हारी? अब तक जिंदगी साथ में जिए हैं तो अब कैसा भी हो जिंदगी हम साथ में ही जिएंगे। मुन्ना, शायद तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है पर हमें तुम्हारी है। काका यहां तक पहुंचने के लिए कितनी जिंदगियां बर्बाद किया मुझे मालूम है। इन सब लोगों को तुम चाहिए। अगर लोगों के दिलों में काका का डर है तो मुन्ना की हिम्मत भी है उनके दिल में। बोलो मुन्ना। बचपन से अभी तक जो कुछ भी तूने पढ़ा है वो यहां पर बक बक करके गया है तू। यही एक्सपेक्ट किया था मैंने। अब आगे क्या? 6 घंटा तू पुलिस स्टेशन में रहा। मुन्ना, ये डर क्या है तेरे दिल में बैठा है? मैंने डर नहीं, मुझे अफसोस है। इस पोजीशन पर आने के लिए मैंने कितनों को मारा पर कभी अफसोस नहीं हुआ, और अभी मुझे अफसोस हो रहा है कि तुझे उस दिन क्यों नहीं मार डाला। जब ये पता चल चुका है कि वो आपका बेटा है तो ये सब किस लिए? क्यों सलाह दे रही हो? इस घर को औरत की जरूरत है इसलिए तू यहाँ है। मुंह बंद करके एक कोने में चुपचाप पड़ी रहे। ईशन, टाइम देखकर उसे खत्म करो। आज के बाद कोई भी मुझ पर हाथ उठाएगा उसे 10 बार सोचना होगा कि जो अपने बेटे को मार सकता है वो बाकियों का क्या हाल करेगा। जब से तुम काका को वार्निंग देकर आए हो तब से सब लोग सोच रहे हैं काका क्या करेगा। काका मेरे पास से सिर्फ एक ही चीज ले सकता है और वो है मेरी अपनी जान। पर मैंने सोच लिया कि काका के नाम को ही मैं खत्म कर दूंगा। पर कैसे? काका फार्मास्यूटिकल कंपनी,
उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी दौलत, उसकी ताकत को बढ़ाती है उसकी फैक्ट्री। नाम के लिए यहाँ पे दवाइयाँ बनती है, पर सच है कि यहाँ ड्रग्स की फैक्ट्री है। यहाँ से जो गंदा पानी जाता है वो नदियों में जाता है, और नदियों का पानी जो इंसान पीते हैं उससे इंसान को बीमारियां हो जाती है, और जिसकी वजह से न जाने कितने लोग विकलांग होते जा रहे हैं। काका के डर से लोग अपने शरीर का कितना नुकसान कर रहे हैं ये भूल कर बस काका से डरते जा रहे हैं। बोलते हैं फैक्ट्री बंद हो गई तो वो फाइनेंशियली खत्म हो जाएगा। अगर हम प्रूव कर पाए कि फैक्ट्री की वजह से पानी खराब हो रहा है, देन द फैक्ट्री कैन बी सीज्ड। पर वो कैसे? निधि, मुझे तुम्हारे पिताजी से मिलना है। तुमने जैसा कहा वैसे ही होगा, मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। बेस्ट ऑफ लक। मुन्ना अभी एरिया में इंटर हुआ है। भाई अभी बस्ती में दाखिल हुआ है। ए भाई, एक मिस हो गया तो भाई दूसरा डाल देना। जी भाई, खत्म कर दे उसको। अभी अभी आया है भाई। ए सुन, मोबाइल सस्ते हो गए पता है, पर रोड पर सोने वाला बात करेगा तो डाउट हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो सिर्फ इतना कहा था जब आप यहाँ से गुजरे तो फोन करके बता दो। कितने लोग हैं? क्या रे, क्यों आया? अरे प्लीज यार, स्टार्ट करना, जल्दी कर, मार डाल, नहीं तो ये हमको मार डालेगा। ऐसा होता ही रहता है जिंदगी में, तुमने ऐसा कितनों को देखा होगा? नहीं देखा, ऐसा सर फेरा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। अब तुझे क्या, मुन्ना को कुछ करना चाहिए, समझा क्या? हम नहीं तो पार्टी नहीं, हमारी राजनीति नहीं। उसे छोड़कर अगर उसके बाजू वाले को मार दें तो शायद वो डर जाए। अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखा, वो उसके पास का कोई मरेगा तो डरेगा नहीं, भड़क उठेगा। काका, हमारी फैक्ट्री के कारण शहर का पानी गंदा हो रहा है, ऐसा किसी ने पेपर में छपवा दिया। ये अभी बोलना जरूरी है? अरे उसके दिल में इधर आग लगी है, तू फैक्ट्री पे आग लगाने की बात कर रहा है? लिखने वाले के साथ जो हरदम होता है वही करो। तूने जैसा बोला था वो छपा था, पर तीसरे पेपर में साबुन के साइज में और टीवी में नीचे पट्टी तक नहीं आई। मुझे प्रेस से बात करनी है। मैं तुम लोगों को एक न्यूज देना चाहता हूँ, एक सनसनी न्यूज। लिखोगे? हाँ बोलिए। काका, साइलेंस। क्या हुआ? डर गए, जिसने दो दिन पहले तीसरे पेज में लिखा था वो कहां गया पता नहीं। कासिम चाचा, पेपर में जब से खबर छपी है तब से मेरे साथ जो अच्छा हुआ बुरा हुआ पब्लिक जानती है, आपके जरिए। आप उनकी आंख और कान हैं। सोसाइटी में जो कुछ गलत हो रहा है उसे पब्लिक तक पहुंचाने का काम है आपका। आप लोगों में से सिर्फ अगर एक ने लिखा तो वो उसे मार डालेगा।
अगर सब ने मिलकर लिखा तो मुन्ना तुम्हारे पीछे रहे। काका के खिलाफ मुझे न्यूज दो, हम लोग उसे हेडलाइन बनाकर छापेंगे। चाचा, हॉस्पिटल में एडमिट हुए दो लोगों में से एक मर जाना चाहिए। अरे वो हमारा रंजन और टिल्लू है। ठीक है, कल टिल्लू मर जाएगा। What next? काका की फैक्ट्री की वजह से कितने लोग मर रहे हैं? आप इस फैक्ट्री के खिलाफ कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? बोलिए, कुछ जवाब है? इस फैक्ट्री को बंद करवाने की कितनों ने कोशिश की, पता है ना आपको? श्रीनिवास जी अगर जिंदा होते तो फैक्ट्री बंद हो गई होती। इसीलिए तो वो गए। ये लिखूं क्या? ए, जो बोलता हूँ लिखते, पेन जेब में रख, पहले बात करते हैं फिर लिख लेना, ठीक है ना? नमस्ते, सब सवाल हो गया ना? चलता। पहले बैठ जाइए आप, बैठिए। जो मर गया उसके बारे में क्या जानते हैं? वो कौन है? कौन है वो? टिल्लू सर। ओ, टिल्लू जी। हाँ। जो मर गए हैं उनका हरियाणा मिल जाएगा, लिख लीजिए, लिख दीजिए। सुना तुमने, मंत्री जी को सब पता है। संबंधित मंत्री होने के नाते आप फैक्ट्री के ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं? ओहो, कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? उसको तो नहीं तोड़ सकते ना, अब उसके हिसाब से चलेंगे। मरने वाले को कितना हरियाणा मिलेगा सर? ऐसा है कि सरकार के तरफ से 4 लाख रुपए और फैक्ट्री के तरफ से 10 लाख रुपए। आप जो एक्शन लेने वाले हैं उससे पार्टी और काका के बीच के रिलेशन इफेक्ट होंगे क्या? ये पार्टी किसी से नहीं डरती। अब आपकी गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है? अब वो क्या है ना? काका, हमारी फैक्ट्री पर इंक्वायरी कमीशन बैठी है, कमिश्नर की रिपोर्ट जरूरी आए, नहीं तो फैक्ट्री सील कर देंगे। हेलो मुन्ना, अभी तो कह दो कि डर गया वरना अच्छा नहीं लगेगा। सांप सीढ़ी का खेल मालूम है ना तुझे? हाँ, बराबर सीढ़ियां चढ़ना वरना सांप काट डाले। पर हर नंबर पर तुझे एक सांप मिलेगा और इस खेल में हर सांप का नाम होगा मुन्ना। ये फैक्ट्री बंद हो गई तो मैं अकेला खुश नहीं हूं, जरा ये सुन। ये सब जो कुछ भी हो रहा है मुन्ना कर रहा है किसी को नहीं पता। वो हमारे लिए खतरा बन गया है, वो और आगे हमारे लिए जिंदा नहीं रहना चाहिए। जिंदगी जीना कितना मुश्किल है ये तुझे आज से पता चलेगा। उसे मारना होगा। मुन्ना जैसे को मारने के लिए जोश की नहीं दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। काका का बर्बादी शुरू हुआ, उससे जड़ से उखाड़ने वाले मुन्ना मुझे मिलना है। अरे यार, यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? कितनी भीड़ है। क्यों नहीं होंगे, इस हैदराबाद शहर में कितनी लड़कियां हैं, वो एक फोन करती हैं, हम दुम दबाकर भाग आते हैं यार। उनके लिए 1 रुपया खर्चा होता है, हमारे लिए 100 रुपया खर्चा हो जाता है, ऐसा ही है यार। इट इज वेरी बैड यार। और भाई साहब, लड़कियां हैं तो खर्च तो करना ही पड़ता है ना, क्यों? हाय, कैसे हो तुम लोग? अरे निधि, तुम यहाँ पर? What a great you come यार, what a great you come यार, मजा आ गया। ज़्यादा overreact मत करो, तुम सबको देर से लेकर आए हो। ये सब कुछ तेरी चाल है। Actually वो क्या है कि कल रात को फोन आया था, वो क्या है कि अब तुमसे जाओ यहाँ से। अरे मुन्ना, मुझे एक जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ। अरे घर की चाबी मेरे पास है, मैं अभी आता हूँ। टिल्लू, वो कॉर्नर टेबल पर जो लड़का लड़की बैठे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं ना? अगर पसंद है तो बोलो, पास की कुर्सी में आकर बैठ जाए। तुम जाकर बैठ जाओ ना। तुमने सबको यहाँ से भगा दिया, बात क्या है? मुन्ना, रोज रोज ना तुमसे प्यार बढ़ता जा रहा है। मत बढ़ा। देखो निधि, कल तक जो मुन्ना था वो अलग था, आज अलग है। आज जिस पोजीशन पर हूं कल उस पोजीशन पर रहूं या ना रहूं कोई गारंटी नहीं। काका और मेरे बीच में तुम ना ही आओ तो बेहतर होगा। I love you. प्लीज निधि, प्लीज छोड़ दो सब कुछ।
दोबारा बोलो तो। मुझे याद नहीं है। मुझे याद है, तुम्हारे और काका के बीच मैं ना हूं तो ही अच्छा होगा, ठीक है ना? तो देखो, ये काका है, तुम्हारे और काका के बीच मैं ना हूं ये तुम्हारा मानना है, और अगर काका को बीच से हटा दे तो तुम मुझे पसंद करोगे ना? मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम्हारा मतलब यही था? मेरा मतलब ये नहीं था। मतलब तो यही होता है। See, I love you. No. Please. निधि। मुन्ना। मुझे पता है तुम मुझे कितना पसंद करते हो। आत्मा, सिटी में काका को सिर्फ मुझसे ही सबसे ज्यादा डर है, समझे? लेकिन आजकल यहाँ के लोग मुझसे ज्यादा तुम्हारी बातें करते हैं। मैं बहुत दिनों से उस काका को खत्म करने की सोच रहा हूँ, और वो काम अब तुम कर रहे हो। अब तो तुम्हें सिर्फ हमारे जैसे लोगों की जरूरत पड़नी चाहिए, कासिम जैसे लोगों की नहीं। ना हाँ का फैसला अब तुम्हारे हाथ में। जरूरत मुझे है या तुझे? तुम जैसे लोग बिना जरूरत के किसी के पास नहीं जाते हो। आज मेरी जरूरत पड़ गई तो यहां चले आए, पर एक बात समझ लो, काका को मारने के लिए मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। काका को तुम कमजोर मत समझना। उसे कम समझने के लिए मैं तुम्हारी तरह गुंडा नहीं हूं, स्टूडेंट हूं। मैं तो उसे दिमाग से मारूंगा। इतनी दूर आकर तुम मुझसे मिले उसके लिए थैंक्स। इतनी दूर तुम्हें वापस भेज रहा हूं उसके लिए सॉरी। हमारे खिलाफ जो भी थे वो सब लोग जाकर मुन्ना से मिल रहे हैं। पुरुषोत्तम, शहर में चर्चा है कि तेरी मेरी जम नहीं रही है। काका, उसे हमारी हर ताकत का अंदाजा है, पर हमें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं। लेकिन मैं तेरी मंशा को जानता हूं। मैं तेरे भाई को तेरे ही हाथों से मरवाया, इस बात का गुस्सा है ना तुझे? ठीक कहा ना? मेरे साथ जिसकी नहीं जमती मुन्ना उससे नहीं मिलता, पर मेरी वजह से जो उससे मिलता है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे वो आएगा, मूवमेंट देख कर खत्म कर डालो। मुन्ना, काका क्या सोचता है, क्या कदम उठा सकता है, ऐसा सोचने वाला एक इंसान चाहिए। काका का एक आदमी है जो तुमसे हाथ मिलाना चाहता है। कौन है वो? पुरुषोत्तम। कहाँ है वो? बोल। काका ने तुम्हें मारने के लिए हमें भेजा। टेबल के नीचे गन है, निकाल लो। ए, रुक जा। गन्स डाउन, गन्स डाउन। क्या गाड़ी निकालो। समझदार हो, चलो मेरे साथ। हाथ में आया और उसे छोड़ दिया। मुन्ना है वो, मुन्ना। भाई, हमने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ, पर अचानक उसके हाथ में गन कहां से आ गई पता नहीं चला। पुरुषोत्तम, अभी तक वो अतीत को नहीं भूला। बहुत गलत किया पुरुषोत्तम। पहली बार काका की आंखों में डर देखा है मैंने, उसका कारण तुम थे। उसने मेरे भाई को मरवाया इसीलिए। तेरे और काका के बीच में क्या हुआ मुझे नहीं सुनना। तुम काका को जानते हो?
इतना काफी है। सलाम वालेकुम। सलाम। मेड इन जर्मनी 8 बुलेट का सेट है। मेड इन इटली 6 गोलियां होती हैं। रिवॉल्वर है 1 दर्जन गोलियां होती हैं। काका को खत्म करने के लिए ये गन्स और गोलियां कम पड़ेंगी। मुझे अपने साथ रख लो, फायदा होगा। देखो आत्मा, तुमसे इतनी फ्रेंडशिप नहीं की जो मैं तुमसे हाथ मिलाऊं, और ना ही दुश्मनी की जो हाथ ना मिलाऊं। तुमने दुश्मनी काका से ली है, ये मत भूलना। आत्मा का उधर क्या काम है? ये उसी का तो अड्डा है। श्रीनिवास जी के जाने के बाद हमने आशा छोड़ दी थी। हमें पता चला कि फैक्ट्री बंद होने के कारण तुम हो, तो तुम्हें देखने आ गया मैं। मुन्ना, तुम जैसा सोच रहे हो फैक्ट्री बंद नहीं होगी। इंक्वायरी कमीशन के रिपोर्ट देने के बाद भी मिनिस्टर ने साइन नहीं किया। काका जो चीजें पाल कर रखता उनमें से एक है पॉलिटिकल बैकग्राउंड। टारगेट वही है, मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करो। वो मिनिस्टर काका का आदमी है, वो हमें अपॉइंटमेंट नहीं देगा। चल गाड़ी हाईवे पे जाना। इसे देखकर शायद साइन कर दो। काका, वो फैक्ट्री का मैटर बहुत बड़ा हो गया है, सीएम तक बात चली गई है। सीएम की बात जानते हो ना? ओहो, कमीशन की इंक्वायरी से डर रहे हो ना? अरे कमीशन कुछ भी लिखे, फाइनल सिग्नेचर तो मुझे ही करना है ना, मैं देख लूंगा। तुम थोड़ा सब्र करो, तुम इतना सोचो 10 दिन के लिए फैक्ट्री की छुट्टी कर दी। क्या है, माधोपुर में कुछ नई जमीन की स्कीम निकली है ना, 2 एकड़ जमीन तुम मेरी बेटी को दहेज के रूप में दे रहे हो ना? हाँ, ओके ओके। क्या सोच रहे हो, कुर्सी गए तो गई जिंदगी, काका के पास जाकर बिता लोगे, यही सोच रहे हो ना? नहीं, ये काका जो भी काम बोलता है उसमें बहुत रिस्क होता है। हम जो काम काका के लिए करते हैं वही काम दूसरों के लिए करें तो फायदा होगा हमें, वो तो हमें पैसा देता ही नहीं है। अगर हम काका को ही खत्म कर दे तो अच्छा, अगर मुन्ना को ही 2 करोड़ दे दे वो उसे मार देगा, हमारी दरिद्री खत्म है। तुमसे एक बात पूछूं बताओगे? हाँ पूछो। कैमरा कहाँ छुपा कर रखा था? जो मर गए हैं उनका हरियाणा मिल जाएगा, लिख लीजिए लिख दीजिए। देखा, मंत्री जी को सब पता है।
ये सीडी मेरी तरफ से गिफ्ट रख लो। ऐसे मेरे पास में 100 कॉपीज हैं। अगर एक भी कॉपी किसी चैनल तक पहुंच गई ना तो तू और तेरी सरकार एक मिनट में ढेर हो जाएगी। तेरी गवर्नमेंट, तेरे गवर्नमेंट के आदमी लोग किसी भी तरह से काका को सपोर्ट नहीं देने चाहिए। अभी सिग्नेचर करेगा ना? मुन्ना का ही फोन है ना? हाँ काका। 18 साल में जो कमाया है 18 मिनट में खत्म करना चाहता है। जो भी मेरे रास्ते में आया उसे खत्म कर दिया मैंने। अब आ भी तो मेरा बेटा। ठीक है, मैं बात करता हूँ। देखो एरिया के सारे दोस्तों से मेरी बात करवाओ। मुन्ना उधर देख। बोलो। मैंने किसी से प्यार किया है, उससे ही शादी करना चाहती हूँ। ये बात अगर पिताजी को पता चल गई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पिताजी का नाम काका है। तुम्हारे फैमिली मैटर में दखल अंदाजी करना मुझे पसंद नहीं। हमारा फैमिली मैटर? तुम्हारा फैमिली मैटर। काका फैमिली मैटर, ऐसी बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदारी बनाने के लिए कोई आशा भी नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद है काका की मौत। मैं सिर्फ उसी के लिए जी रहा हूँ। तुम लोग जा सकते हो। जो हुआ उसे भूलने के लिए कहने को नहीं आए हैं हम। काका तुमसे डरता है इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारी माँ की जगह पर मैं हूँ ये सोचो। तुम्हारी माँ ने जो नर्क की जिंदगी बिताई थी वो मैं बिता रही हूँ। तुम इतने साल से दुख सह रहे हो, उसी तरह हम भी यहाँ दुख सह रहे हैं। तुम्हारा कोई नहीं है, इसके बावजूद भी तुम सुख की जिंदगी गुजार रहे हो। उस वक्त अपने फायदे के लिए उसने तुम्हारी माँ को बेचा था, आज अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए मेरी बेटी की शादी ऐसी जगह करवा रहा है जहां मेरी बेटी नहीं चाहती। आज इसी आशा से हम लोग यहां आए हैं। तुम अपने हो इसीलिए मदद मांगने आए हैं। उसका नाम क्या है? सब बाहर आओ। क्या रे, उसके पास जाकर जिससे प्यार किया उससे शादी करेगी ये बात करके आई है? कौन है वो? संदीप। कहाँ रहता है वो? मार डालूंगा ये डर है? अगर मैं बता भी दूं तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बता दे। मुझे पता नहीं। तो फिर किसे बता? भैया को पता है। ये भैया को नहीं, वो भैया को। वो घर आया था उसी दिन से मार देना चाहिए था। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। थैंक यू मुन्ना, तुम्हारी वजह से श्रुति और मैं आज मिल पा रहे हैं। हेलो। मैंने तुमसे प्यार किया हो या तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए फोन नहीं किया। बात यह है मुन्ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इस वजह से मैं आज काका के घर पे हूँ। काका मेरी राहुल से शादी करवाने के लिए अपने घर पर लेकर आए हैं, और अगर ये हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी मुन्ना।
अरे जब मैं खाली टाइम में रहता था ना, उस खाली टाइम का पैदाइश है तू। अगर तेरी इतनी सोच है तो मेरी कितनी सोच होगी, जरा सोच। पर तूने जैसा सोचा मेरी बेटी की शादी उस लड़के के साथ, पर मैंने क्या सोचा, जिस लड़की से तूने प्यार किया उस लड़की के साथ मेरे लड़के की शादी होगी। हाँ हाँ हाँ, यही मेरा डिसीजन है। काका आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ खाली राहुल की शादी होगी। उस लड़के को जब मुन्ना लेकर आएगा तो रास्ते पे सारे हमारे आदमी होंगे, उसको खत्म कर देंगे। नमस्ते काका। क्या बात है त्रिपाठी बाबू, तुम भी इतना लेट? वो क्या है ना, एक खास आदमी को पिकअप करके इधर लाने में देर हो गई। हो गई, आइए। इस तरह से आऊंगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमने। जाऊंगा कैसा ये भी एक्सपेक्ट मत करना। कौन है रे, कौन से गांव से रे? काका बुलाए तो फिर से आके बैठ जाना। चलो चलो, आप आइए बैठिए। इतनी हिम्मत, राहुल कहाँ है? रूम में काका। सिक्योरिटी चेक करो। ओके। रुको। क्या चेक कर रहे हो भाई? जाओ। हेलो। तुम भी चेक करोगे? हेलो हेलो, मैं पूरा खोल देता हूँ, लो पूरा चेक कर लो, लो देखो देखो पूरा। चम्मच है, चम्मच स्पून, ये पूरा चेक करने चले हैं हमारा। आज तक कोई नहीं चेक कर पाया। इज्जत का भालूदा करते हैं, अपनी कोई इज्जत ही नहीं है जैसे। कैसे हो भाई, शादी करने जा रहे हो भाई? शादी क्यों कर रहे हो भाई? निधि मुझे पसंद है इसलिए। नहीं भाई, काका को निधि और मुन्ना की शादी पसंद नहीं है। मुन्ना तुम्हारा क्या लगता है भाई? कोई नहीं। अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर 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 ऐसा हुआ कि मुन्ना तुम्हारे घर में रहने लगा तब क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? नहीं सोचा। रिश्ते में बड़ा भाई? नहीं भाई, लवर होगा। तो मुन्ना तुम्हारे घर में रहेगा, काका तो फैक्ट्री में चला जाएगा, तुम हमारे जैसे स्पून लटका के सड़क पे इधर उधर घूमते फिरोगे। मुन्ना भी घर पे रहेगा, तुम्हारी बीवी भी तक दिना दिन। छोटे भाई की बीवी नहीं देखना चाहिए। जी। क्या है? दर्द हो रहा है। कहाँ? इधर। इधर? थोड़ा और ऊपर। इधर? तुम थोड़ा सा और ऊपर। इधर? तो क्या करूँ? थोड़ा सा लगा दो ना। क्या? किसने देख लिया? तो मेरे वो नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं है ना? कोई नहीं है? बिल्कुल नहीं। मुन्ना के बारे में सोच रहे हो? ऐसे सपने तो आते ही रहते हैं भाई। अगर तुमने मुन्ना की गर्लफ्रेंड से शादी कर ली तो मुन्ना को फील होगा, मुन्ना की पसंद की लड़की से शादी कर लिया तो तुम्हें जिंदगी भर फील करना पड़ेगा। तुम्हारी शादी का काम कर देख कर आता हूँ। भाई काका सबको ऑफर करता रहता है ना, बम्पर ऑफर के चक्कर में। कल अगर मुन्ना को
भाभी को ऑफर कर दिया तो जल्दी लेकर आओ। को बुला रहे हैं भाई। मैं ये शादी नहीं करूंगा। क्यों भाई, कंफ्यूज हो गए? मैं ये शादी नहीं करूंगा। काका जी, काका जी। क्या हुआ? राहुल ने शादी से इनकार कर दिया है। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, आके मंगलसूत्र बांध। निधि एक सेकंड के लिए सर झुकाएगी और मैं मंगलसूत्र बांध दूंगा, लेकिन जिंदगी भर मुझे सर झुकाकर जीना पड़ेगा। सर, इस मंडप में शादी हो रही है, उस मंडप में शादी क्यों नहीं हो रही? वो है ना, ये मंडप में जो शादी हो रही है वो सुपर है। वो मंडप में जो दूल्हा बना हुआ है ना, वो सुपर सुपर है। वो कौन लड़का है? वो है ना एक ही है, वो है ना। हेलो, डिस्कशन अगर खत्म हो गया तो नीचे आ जाओ, बहन को आशीर्वाद जो देना है। दोनों को आशीर्वाद दीजिए। बड़े वाले का आशीर्वाद दो। मैं इस तरह से जाऊंगा, सोचा भी नहीं था ना। मुन्ना, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। ऐसे मत देखो मुझे, तुम्हारी आंखों में मुझे आज तक दर्द नजर नहीं आया। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज तक तुम्हारी पत्नी हूँ, इसलिए घुट घुट कर जी रही हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ और बहन को खोया था, आज तुम्हारी वजह से दोनों को पा लिया है। जो चीज तुम्हारी नहीं है वो अपनी समझने की गलती कभी मत करो। जो चीज खो गए उसे हासिल करना मेरी आदत बन चुकी है, अब हारना तेरी आदत बन चुकी है। निधि की शादी अपने बेटे से करवाएगा ना? बाय। चलो आओ पुरुषोत्तम, मुझे थोड़ा काम है मुन्ना। ओके। मुन्ना निकल गया, ब्लैक कार में, गाड़ी का नंबर 2225, नेकलेस रोड की तरफ जा रहा है, आगे देख लेना। अरे क्या रे टिल्लू, आजकल तो चुप चुप क्यों रहने लगा? कोई मिली नहीं क्या आज तक? सेट कर दूं? बोल। हाँ, अरे हाथ जोड़ता हूँ मैं तेरा, तूने जो आज तक सेट किया उतना ही बहुत है, अब मेरी लाइफ को सेट मत कर यार। मुन्ना, आओ कासिम भाई, अंदर आओ। मैंने बोला था ना कि काका बहुत ही खतरनाक आदमी है, पहले ही मार डालते हो उसको। काका को खत्म कर दो, खत्म कर दो। तुमने ऐसा क्यों किया? टिल्लू मर गया तुझे पता है? ऐसा क्यों किया तुमने?
मेरा लक्ष्य, तेरा लक्ष्य, मुन्ना की लक्ष्य एक है, काका। अगर हम तीनों मिलकर उसे खत्म कर डालें तो कोई गलत नहीं होगा। मुन्ना तेरे साथ हाथ नहीं मिलाएगा। मुझे पता है। सुनो पुरुषोत्तम, काका और मुन्ना के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, मुन्ना इसमें काका को अगर मार दे फिर तुम तो वहां मुन्ना के पास चले जाओगे। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे। सोच लो, अगर काका के हाथों मुन्ना मर गया तो नेक्स्ट नंबर हम दोनों का होगा। अभी काका का पूरा फोकस मुन्ना के ऊपर है। काका को मारने का ये राइट टाइम है। अगर तेरे साथ मिलाया तो मुन्ना मार डालेगा। एक काम करते हैं, पहले मुन्ना को मारता। देहिक पुरुषोत्तम, यहां जीने से ज्यादा जरूरी है जीतना। जो भी जीतने के बीच में आ जाएगा उसे खत्म कर देना है, चाहे काका हो या मुन्ना। क्या हुआ मुन्ना? काका को तुम कमजोर मत समझना। तुमने दुश्मनी काका से ली है, ये मत भूलना। शिट! क्या हुआ तुझे? काका ने दुश्मन को पाल कर रखा है। काका और आत्मा दोनों एक ही हैं। किसी तीसरे को नहीं पता था और दुनिया के सामने तुझे दुश्मन की तरह मैंने पेश किया। अगर कोई मेरा दुश्मन पैदा होता है तो मेरा दुश्मन तेरे पास जाए या मेरे दुश्मन के पास तू जाए। पुरुषोत्तम का भाई मेरे पास आया है। श्रीनिवास राव को जाकर धमकी दो। ये बात किसी तीसरे को नहीं पता था कि मुन्ना के सामने मैंने तुझे दुश्मन बनाकर पेश किया, लेकिन तू उसका कुछ नहीं कर सका, तेरा सर रहेगा। मेरा तो मेरे पास है काका, लेकिन आप अपनी हिफाजत की तैयारी रखना। मुन्ना मामूली इंसान नहीं है काका। किशन को खत्म कर दिया, पुरुषोत्तम को भी मार दिया, अब तक शायद उसे मेरे बारे में भी पता चल गया होगा। अब तो मुन्ना सीधा मेरे पास आएगा। पुरुषोत्तम ने अगर तेरे बारे में बता दिया तो वो सीधा तेरे पास जाएगा, नहीं तो मेरे पास। आने दे उसे, मौत डालेंगे उसे, उसे मिलेगी सिर्फ मौत, नहीं बचेगा। ये बहुत गलत हुआ आत्मा, तूने पूछा तभी हाथ मिला लिया होता तो आज इतना नहीं होता। मैंने पुरुषोत्तम पे विश्वास करके उसे अपने पास रखा तो उसने काका से फिर से हाथ मिला लिया। मैंने पहले ही कहा था, काका जैसों को मारने के लिए मेरे जैसे इंसान की जरूरत है। ये बात मुझे आज ही पता चली। और ये सब जो मैं कर रहा हूं जनता को डराने के लिए, पैसे के लिए नहीं, काका का खेल खत्म करने के लिए। आत्मा, तुझे भी काका चाहिए और हमें भी काका चाहिए। और ये समझ लो, नेक्स्ट काका तुम्हारे सिवा और कोई नहीं हो सकता। अगर नेक्स्ट काका मैं हूं तो 24 घंटे में काका तुम्हारे सामने होगा। अपने सारे आदमी रेडी है? अंदर सब रेडी है। मुन्ना, काका को लेकर आया हूं, तू कहां है? हाँ? इस बहादुरी के लिए तुम्हें आत्मा थैंक्स कहूं या सॉरी कहूं? तुम दोनों एक हो ये मुझे पहले से पता है। लेकिन मुझे तो तुझे थैंक्स बोलना ही चाहिए। मैं अगर तुझसे पहले नहीं मिलता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मैं काका बन सकता हूं। मैं उसे मारता या नहीं मारता मुझे नहीं पता, जो मर्जी करो। कल अगर अपनी नजरें मिली तो अंजाम क्या होगा?
नेक्स्ट मिनट में मेरी लाश पड़ी होगी, मुझे पता है। अरे मौत डालो इसे। ये लोग मेरे हैं, तेरे नहीं। ए, 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 मैंने तेरे पर भरोसा किया था। तुम मेरे पर भरोसा करो, इसकी तो 100 वजह है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करूं, इसकी एक वजह तो बता दो। इतना बड़ा हो जाएगा ये मुझे पता होता तो बचपन में तुझे छोड़ता नहीं। तेरी माँ हरदम कहती थी तुझे अभी पढ़ाना है, बहुत कुछ सिखाना है, पर मैंने ही क्या नहीं किया। पर अब सिखाऊंगा तुझे। वही टाइम पे जिसके पास गन होती है ना वही जीतता है। अब मैं जीत जाऊंगा। मेड इन इटली, 6 गोलियां होती हैं। काका को कोई नहीं मार सकता। तो मारना। इंसान के विश्वास को बेचते हुए तू ऊपर आया और अब देख जिसके ऊपर तूने विश्वास किया उसी ने तेरा विश्वासघात किया। जिस वक्त इसने विश्वासघात किया उसी वक्त तू मर गया। आखिर ये भी तेरा साथ छोड़ गया। काका, सब आत्मा, किसना, पुरुषोत्तम, पत्नी, बेटी, बेटा सब तुझे छोड़ गए। तू अकेला हो गया है, अकेला अकेला अकेला। और तुझ पे रोने वाला भी कोई नहीं है। तू सड़क का एक कुत्ता हो गया है, कुत्ता। इंसान को ऊपर कैसे जाना है वो सोच सकता है, पर इंसान नीचे कैसे गिरेगा कभी नहीं सोच सकता। हर पल तुझे नीचे गिराकर तुझे नर्क का एहसास दिलाया है मैंने। मैंने उसी दिन कहा था कि जीने से ज्यादा सुकून मरने में है। आज देख उसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है मैंने। मरने का सुख अनुभव कर। मरा पीड़ा खत्म हुई। कुछ समय बाद इलेक्शन आ रहा है, मुन्ना की जरूरत है हमें। एक बार उसे बुलाओ, बात करते हैं। नहीं आएगा सर। क्यों मुन्ना, क्या एक और काका बन रहा है? नहीं सर, काका मतलब जमाने का डर।
और मुन्ना मतलब जमाने की हिम्मत।